अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही वो बयान है जिसने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इसे लेकर खूब हो हल्ला किया हुआ है। कांग्रेस ने पीएम के बयान की शिकायत चुनाव आयोग में भी कर दी है। वहीं शिकायत मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन एक्शन मोड में आ गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की जांच की शुरुआत कर दी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। पीएम मोदी पर हेट स्पीच का आरोप लगा है। और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। दरअसल पीएम मोदी के बयान से तिलमिलाई कांग्रेस ने चुनाव आयोग से 17 शिकायतें की हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की जिसमें कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल रहे। अभिषेक मनु सिंघवी के मुताबिक ये सभी शिकायतें गंभीर हैं और देश के संविधान के मूल सिद्धांतों पर आघात करने वाली हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ठोस कदम उठाने की अपील की है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी का बयान दुर्भावनापूर्ण और विभाजनकारी है और इसके जरिए एक विशेष धार्मिक समुदाय को टारगेट किया गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि ऐसी टिप्पणी करके पीएम मोदी ने न सिर्फ आचार संहिता का उल्लंघन किया है बल्कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को भी भंग किया है। दरअसल कांग्रेस ने पीएम मोदी को लेकर जो शिकायत की है चुनाव आयोग से, वो कौन कौन सी शिकायतें हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से 17 शिकायतें की हैं। पीएम मोदी का बयान दुर्भावनापूर्ण और विभाजनकारी है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। बयान के जरिए विशेष धार्मिक समुदाय को टारगेट किया गया है, आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को भी भंग किया गया है, देश के संविधान के मूल सिद्धांतों पर आघात किया गया, भारतीय संविधान की अस्मिता पर प्रहार किया गया, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन किया गया। दरअसल पीएम के बयान के बाद कांग्रेस के तेवर आक्रामक हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक ने पीएम मोदी पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे लग रहा है कि अब कांग्रेस पीछे हटने के मूड में नहीं है। तुम तो डिक्टेटर हो, तू डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते, हमारे अच्छे संस्थाएं जो है तुम बिगाड़ रहे हो। सीबीआई बिगाड़ रहे, सीईसी बिगाड़ रहे, ईडी को तो पूरा अपना हथियार बना लिए, उसमें सब अच्छे अच्छे लोगों को, कांग्रेस वालों को भी डराना, दूसरे पार्टी वालों को भी डरा के आप उनको कहां लिए, अपने झोली में डाल लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग क्या फैसला सुना सकता है, इसको लेकर भी चर्चा तेज हो चली है। खबर है कि चुनाव प्रचार से जुड़ी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम मंदिर के उद्घाटन की बात करने को धर्म के नाम पर वोट मांगने की अपील नहीं कहा जा सकता। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी रैलियों में राम मंदिर निर्माण का जिक्र करना, सिख तीर्थ यात्रा के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनवाने की बात या अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाने की सरकार की कार्रवाई के बारे में जनता को बताना, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। इसे लेकर इलेक्शन कमीशन जल्द ही हाई कोर्ट में अपनी जांच शेयर करेगा, क्योंकि 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के वकील आनंद एस जोंडेले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाई कोर्ट में शिकायत कर दी थी और आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने पीलीभीत की चुनावी रैली में हिंदू देवी देवताओं, हिंदू पूजा स्थलों और सिख पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगा, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। खैर, पीएम के बयान पर हो रहे इस सियासी संग्राम का अंजाम क्या होगा, वो इलेक्शन कमीशन के रुख के बाद जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक राजनीति की पिच पर चल रही ये रसाकसी और उठापटक सही संकेत नहीं दे रही है, क्योंकि इससे वोटर्स के मन में काफी संदेह पैदा हो रहा है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।